दिस वीडियो इज़ ऑल्सो अबाउट अष्टक वर्क एंड दिस इन दिस वीडियो आई टेल यू हाउ टू एनालाइज अष्टक वर्क इन ट्रांजिट्स। सो आप ट्रांजिट्स में कैसे अष्टक वर्क को एनालाइज करो, ये वीडियो इस बारे में होने वाली है। सो इन लास्ट वीडियो हमने देखा था कि हर हाउसेस को एक सर्टेन नंबर ऑफ पॉइंट्स एलोकेटेड होते हैं जो कि प्लैनेट्स के एलोकेशन के वजह से होती है और उनको एडअप करके मिलती है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट हाउस को 25, थर्ड हाउस को 30, सेवन्थ को 47 तक मिलते हैं पॉइंट्स। बट ट्रांजिट में आपको इन पॉइंट्स को नहीं देखना है, जो इन टोटल एडेड पॉइंट्स हैं उनको भूल जाना है आपको ट्रांजिट में। ट्रांजिट के लिए, किसी एक प्लैनेट के ट्रांजिट को एनालाइज करने के लिए आप अष्टक वर्ग का टेबल उठाओ और उसमें जिस प्लैनेट के ट्रांजिट को एनालाइज करना है उस प्लैनेट को पकड़ो। फॉर एग्जांपल आपको मार्स के ट्रांजिट का वैल्यू पकड़ना है, तो आप अष्टक वर्ग में जब मार्स को देखोगे तो मार्स ने हर हाउस को एक सर्टेन नंबर ऑफ पॉइंट्स एलोकेट कर रखे होते हैं। 4 पॉइंट, 7 पॉइंट, 1 पॉइंट, 0 पॉइंट भी एलोकेट करता है। ऐसे ही मार्स ही नहीं, वीनस भी, जुपिटर भी, सैटर्न भी किसी भी हाउस को, किसी को 4, किसी को 3, किसी को 2। तो ये जो पॉइंट्स एलोकेट करते हैं हाउसेस को एक प्लैनेट, ये किसी हाउस को वीक या फिर स्ट्रांग नहीं बनाता अकेले में, बट इनको ट्रांजिट में एनालाइज करने में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल सपोज आपका मार्स सेकंड हाउस में प्लेस्ड है और सेकंड हाउस में मार्स ने 4 पॉइंट्स एलोकेट कर रखे हैं और थर्ड हाउस में उसने 3 पॉइंट्स एलोकेट कर रखे हैं, तो ओरिजिनल मार्स की जो वैल्यू है वो 4 पॉइंट्स की है। और जब वो ट्रांजिट करेगा थर्ड हाउस पे तो उसकी वैल्यू 3 वैल्यू हो जाएगी उसकी, 4 से घट के 1 घटेगी और 3 की वैल्यू हो जाएगी। सपोज फोर्थ में उसने फिर 5 पॉइंट्स एलोकेट कर रखे हैं, तो जब मार्स फोर्थ हाउस में ट्रांजिट करेगा तो उसकी वैल्यू 5 की हो जाएगी। ओरिजिनल वैल्यू वो वैल्यू होती है जहाँ पे एक प्लैनेट प्लेस्ड होता है। अब आपको कंपेयर करना है। फॉर एग्जांपल सपोज मंगल अपने से 12वां दूसरे स्थान का मंगल है, 4 पॉइंट्स लेके बैठा और अपने से 12वां फर्स्ट हाउस को ट्रांजिट कर रहा है और फर्स्ट हाउस में मंगल ने 3 पॉइंट्स एलोकेट कर रखे हैं, तो 12th ट्रांजिट का मतलब होता है लॉस और 3 पॉइंट्स का मतलब होता है पॉइंट का घट जाना। मतलब ओरिजिनली मार्स के पास पावर थी लेकिन जब वो फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट करेगा तो वो ओरिजिनल पोजीशन से 1 पॉइंट कम एलोकेट कर, 1 पॉइंट कम बिहेव करेगा, मतलब वो यहाँ पे पहले से कम पावरफुल है। ये थोड़ा टेक्निकल बन जाता है, और एग्जांपल उठाते हैं। सपोज आपका सैटर्न 5th हाउस में प्लेस्ड है और 5th हाउस में 5 मार्क्स दे रखे हैं उसने, और सैटर्न अपने से तीसरा चाल 7th हाउस में चल रहा है, 7th हाउस में उसने 3 मार्क्स दे रखे हैं, तो 5 मार्क्स का सैटर्न 5th हाउस का 3 मार्क्स के 7th हाउस में एसोसिएशंस डेवलप कर रहा है। मतलब आप कमिटमेंट ज़्यादा दे रहे हो, जितना रिक्वायर्ड नहीं उतना कमिटमेंट दे रहे हो, और लोग जो है वो आपके कमिटमेंट की 3 नंबर की वैल्यू कर रहे हैं। जो वैल्यू आपको 5 नंबर की मिलनी चाहिए थी वो आपको 3 नंबर की वैल्यू मिल रही है। तो ये एक तरीका है आपको ट्रांजिट के थ्रू, किसी भी प्लैनेट के ट्रांजिट के थ्रू अष्टक वर्ग को एनालाइज करने का। और एग्जांपल ले लेते हैं। चलो सपोज आपका जुपिटर 8th हाउस में, 8th हाउस में उसने 4 मार्क्स दे रखे हैं। अब 8th हाउस जो होता है, पहले हाउस आपको इम्पॉर्टेंट है समझना। 8th हाउस होता है आप लोगों को क्या प्रोवाइड कर रहे हो, आपकी इम्यूनिटी कितनी है, आप इल होगे कि नहीं होगे वो 8th हाउस से पता लगता है। तो चलो 4 मार्क्स आपका जुपिटर 8th हाउस में लेके बैठा और जुपिटर सपोज 12th हाउस को ट्रांजिट कर रहा है और 12th हाउस में जुपिटर ने 7 पॉइंट्स दे रखे हैं, तो 12th प्लेस पे जुपिटर की वैल्यू बढ़ गई। मतलब आपकी इम्यूनिटी 4 मार्क्स की है और वहाँ पे वो लूज़ कितने मार्क्स कर रहा है, तो वो लूज़ कर रहा है 4 से 3 पॉइंट ज़्यादा। मतलब आपकी जो बीमार होने की टेंडेंसी है वो ज़्यादा है, निश्चित है बीमार हो गए। सपोज जुपिटर यहीं पे 7 के जगह अगर 3 मार्क्स दिया होता 12th हाउस को, तो जब जुपिटर 12th हाउस को ट्रांजिट करता तो आपको बीमार होते आप, लेकिन आप वो बीमारी से निकल जाते, बीमार होते होते रह जाते। तो जुपिटर का प्लेसमेंट
पहले देख लो आपकी प्लेसमेंट कहाँ पे है और कितने पॉइंट्स हैं वहाँ पे, फिर देख लो ये ट्रांजिट कहाँ पे कर रहा है और वहाँ पे कितने पॉइंट्स है। ओरिजिनल नेटल नेटल प्लेसमेंट से प्रेजेंट प्लेसमेंट, प्रेजेंट ट्रांजिट में जुपिटर की वैल्यू कितनी है, इन दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर करोगे तो आपको ट्रांजिट के रिजल्ट्स मिलते हैं। सपोज 11th में आपका जुपिटर ट्रांजिट हो रहा है और अपने से सपोज 11th आपका जुपिटर फर्स्ट हाउस में है, 5 मार्क्स लेके बैठा है और अपने से 11th ट्रांजिट कर रहा है 11th हाउस में और वहाँ पे उसको 3 मार्क्स मिले हैं, तो आपके 11th हाउस का मतलब होता है अर्निंग्स, आपके फ्रेंड्स का हाउस होता है, वो हाउस होता है जहाँ पे आप चीज़ों को कमाते हो, चीज़ें अर्जित करते हो, गेन करते हो। तो 3 मार्क्स, 5 मार्क्स का जुपिटर जब 3 मार्क्स का हो जाएगा, 5 मार्क्स फर्स्ट हाउस में और 3 मार्क्स 11th हाउस में, तो उसकी वैल्यू में 2 पॉइंट्स का डिप्रेसिएशन आता है। मतलब जहाँ आप 5 मार्क्स कमा रहे थे वहाँ आप 3 मार्क्स कमाओगे। अब इसका मतलब है कि जो ट्रांजिट है जुपिटर का उतना बेनिफिशियल आपके लिए नहीं माना जाएगा। यहीं पे मानते हैं सपोज फर्स्ट हाउस में 5 पॉइंट्स लेके बैठा है जुपिटर और 12th में 1 पॉइंट मिला है, तो जुपिटर का 12th हाउस का जो ट्रांजिट होता है आपको डिप्रेशन में डालता डालता है, लेकिन यहाँ पे 1 पॉइंट होने के कारण आप निकल जाओगे। 1 पॉइंट का मतलब होता है जो वैल्यू आपकी फर्स्ट हाउस में, जो वैल्यू जुपिटर की फर्स्ट हाउस में 5 थी, 12th हाउस में 1 की रह गई, मतलब लॉस जो है आपका 1 पॉइंट का रह गया। ये बहुत टेक्निकल है, ये आपको जल्दी नहीं आएगा समझ में। आप प्रैक्टिस करो, किसी एक प्लैनेट को उठाओ, उसके अष्टक वर्ग में देखो कि उसने पॉइंट्स कितने एलोकेट कर रखे हैं, फिर आप ये देखो कि उसके नेटल प्लेसमेंट पे पॉइंट कितना है, और फिर ये देखो कि ट्रांजिट प्लेस जहाँ पे कर रहा है वहाँ पे उसकी वैल्यू कितनी है। इन दोनों को कंपेयर करो, तब आपको पता चलता है कि जो ट्रांजिट है वो कैसे रिजल्ट्स देगा आपको, वो रिजल्ट्स देगा या फिर नहीं देगा। अगर कोई अपशगुन होने वाला है, सपोज 6th ट्रांजिट कर रहा है कोई प्लैनेट, या फिर 8th या फिर 12th ट्रांजिट कर रहा है, तो निश्चित है कि 6th 8th 12th ट्रांजिट किसी भी प्लैनेट का हार्म करता है। तो अगर नेटल प्लेसमेंट से कम पॉइंट्स हैं वहाँ पे तो हार्म नहीं करेगा, कम पॉइंट से ज़्यादा पॉइंट्स हैं तो हार्म निश्चित है, निश्चित है कि आपको कोई ना कोई नुकसान पहुँचेगा। So this is my analysis on how to analyze transits through Ashtak Varg. For more, stay tuned and subscribe.